कैलाश चंद्र वर्मा बगरू का वो नेता जो खबरों में इतना नहीं रहा, पर जब विधानसभा में सवाल दागे तो गजब हो गया। जिसने पहले अपने मंत्रियों से ही सवाल पूछा, सदन में जवाब मांगा और उचित जवाब नहीं मिलने पर विपक्ष ने हंगामा किया, तो कांग्रेस के नेताओं से ऐसा सवाल पूछ लिया कि सदन में हंगामा होना तो लाजमी था। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे को जवाब देने की जगह आरोप प्रत्यारोप में लग गए। जवाब मिला या नहीं मिला, ये सवाल तो सवाल ही रह गया, पर हंगामा इतना हुआ कि विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को बार बार टोकना पड़ा। दिखाते हैं पूरे हंगामे की वीडियो, पर पहले आप कैलाश चंद्र वर्मा का ये सवाल सुनिए। ये सवाल राजस्थान के हर एक किसान के लिए है, हर एक गौपालक के लिए है। जो विगत वर्षों में गौ सेव के रूप में स्टाम्प ड्यूटी पर कितनी राजस्व राशि के रूप में प्राप्त हुई तथा प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत राशि गौ कल्याण के लिए खर्च हुई, पहला क्वेश्चन। इसके बारे में पूरा क्वेश्चन, क्योंकि जिस तरीके का पूरे राजस्थान के अंदर पंचायत स्तर के ऊपर गौशालाओं का अनुदान और गौशालाओं का रखरखाव, भूमि आवंटन से लेके हम पंचायत स्तर के ऊपर कलेक्टर से यहाँ से गौशालाओं को जो अनुदान मिलता है, ये सब कुछ होने के बाद में अगर सरकार गौ सेवा राजस्व 100% उपयोग हेतु गौ कल्याण के लिए विचार रखती है, तो फिर पंचायत स्तर के ऊपर जो जमीन अलॉटमेंट होती है, सब लोग कहते हैं कि आज दिन तक जितनी सरकार है, आज़ादी के बाद में जितनी सरकारें आई है गई है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हर सरकार ने किसी न किसी प्रकार की फ्लैगशिप योजना गौशालाओं के लिए लेके आए, मगर जब भूमि अलॉटमेंट की बात आती है तो गौशालाओं के लिए पंचायत स्तर के ऊपर भूमि अलॉटमेंट नहीं होती। पिछली सरकार 2013 से 18 की सरकार हो, माननीय भैरू सिंह जी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आज दिन तक केवल और केवल कागजों के अंदर नियम बने गौशालाओं के लिए। तो मेरा पूरा क्वेश्चन यह है कि पंचायत स्तर के ऊपर भी सरकार गोचर भूमि में गाय चरेगी, इसका कोई प्रावधान रखती है? पंचायत स्तर के ऊपर भूमि जमीन अलॉटमेंट का विचार रखती है क्या? ये सवाल सुनकर मंत्री जोगाराम पटेल खड़े हुए। जवाब सुनने के लिए विपक्ष भी तैयार था, पर मंत्री ने कहा कि जवाब कार्यालय में भेज दूंगा। गौशाला में सेस करके रूप में कितनी आय होती है और कितना खर्च होता है, वो माननीय सदस्य को मैं इनके कार्यालय ऑफिस में भेज दूंगा। मंत्री जोगाराम पटेल का यह जवाब सुनकर विपक्ष तुनक गया, मानो उनका खून उबाल मारने लगा हो। जवाब खत्म होने से पहले ही सवाल दागने शुरू कर दिए। हालांकि जोगाराम पटेल ने आगे कहा कि हर पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने के नियम हैं, साथ ही ये भी कहा कि सरकार गौशाला खोलने के लिए बाध्य है। ये जवाब सुनने के बाद कैलाश चंद्र ने दूसरा सवाल दागने से पहले कि कहा कि मैं जवाब संतुष्ट हूँ। इसके बाद उन्होंने मंत्री से सवाल पूछने की जगह कांग्रेस पर ही सवाल दाग दिए और लंपी का मुद्दा उठाया, वो मुद्दा जिस पर गहलोत सरकार पहले भी फंसी थी और पूरे राजस्थान में त्राहिमाम मचा हुआ था। मगर पिछली बार तो सरकार थी कांग्रेस की, बैठिए। और इन्होंने जिस तरीके से जो लंपी के अंदर गायें मरी, आपने तो पूरे आंकड़े छुपाए माननीय अध्यक्ष महोदय। पूरे राजस्थान के अंदर जो गौ की दशा हुई, कम से कम सरकार वो आंकड़े भी सदन की मेज के ऊपर रखे, ताकि राजस्थान की जनता को ये पता तो चले कि लंपी के अंदर गायें मर रही थी, सरकार होटलों के अंदर भोज कर रही थी। कम से कम सरकार होते हुए इतना गौवंश मरना एक बहुत शर्म की बात है। बीजेपी नेता का सवाल सुनते ही नेता प्रतिपक्ष भी तपाक से खड़े हुए। इससे पहले कि वो जवाब देते, हंगामा शुरू हो गया। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। आप लोग अध्यक्ष से ऊपर हो क्या, मंत्री लोग? अरे अध्यक्ष की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, आपकी व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं। मंत्री अध्यक्ष को संबोधित करने में गई है, मैंने अनुमति नहीं दी। अभी बैठिए, अध्यक्ष की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं मंत्री। बैठिए, इनको ट्रेनिंग दीजिए। सदन नहीं चलने देना चाहते हो क्या? अच्छा ऐसा है, मेरा पूरा क्वेश्चन होने दो अध्यक्ष महोदय। दोनों हो गए, बात सही बिल्कुल नहीं हुआ जवाब नहीं। एक बार मेरा पूरा क्वेश्चन होने के बाद में नेता ये बात को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे आप तो बुलवा रहे हैं, एक बार बुलवाऊंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा जो प्रश्न इनका है, अरे प्रश्न नहीं, मेरा पूरा क्वेश्चन होने दो पहले। आप बीच बीच के अंदर ऐसे उठ के आ जाते हो, पूरा क्वेश्चन पूछने दो। दूसरे नंबर का प्रश्न को इतनी जल्दी क्यों है? अध्यक्ष
महोदय, एक पूरा क्वेश्चन मेरा होने दो। मैं अनुमति दूंगा, बैठिए। हाँ बोलिए। उनका प्रश्न है, सरकार के समय जब लंपी की बीमारी आई और लंपी की बीमारी के दौरान पूरे प्रदेश भर के अंदर जो गौशालाओं की दुर्दशा हुई, इतनी गायें मर गई उस समय, और उस पूरे राजस्थान के अंदर पूर्ववर्ती सरकार ने चुप है, कम से कम राजस्थान की जनता को कांग्रेस ने गौशालाओं के नाम के ऊपर है व्यवस्था का प्रश्न है मेरा। हाउस क्वार्टर में लेके सत्ता पक्ष के लोग कैसे बीच में खड़े रखो ना, विषय है अध्यक्ष जी, पहले आप बोलना शुरू करो ना अपना विषय, नहीं फिर आप चला लीजिए, नहीं तो अगला प्रश्न पूछूंगा, नहीं तो अगला आप ये कोई मतलब हुआ, आप अनुमति दे दीजिए, आप इनको अध्यक्ष जी आप बोलिए, ये इनको बैठाइए, पहले इनको बैठाइए, अरे उनको बोलिए, आप तो नहीं ऐसे कैसे बोल, आप भी हल्ला मचाते हो तो ये बोलता हूं, कोर्ट में लेकर आइए सत्ता पक्ष के लोग, अरे बैठो बैठो, अरे बैठिए अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य प्रश्नकाल है, ये प्रश्न एक दिन का आप ट्रेनिंग का सेशन इनको दे दीजिए, ये आपके कहने के बावजूद, आपकी अनुमति के बाद मैं बोल रहा हूं, उसके बावजूद सरकार के मंत्री जिनको बोलना नहीं चाहिए, अरे आपके सदस्य को भी आप नेता बोल रहे हो तो नहीं बोलना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, नहीं इनको मत कहिए, इनको मत कहिए, आप इनको कहिए, अरे आपको आप बोलिए ना, नहीं तो क्या बोलूं मैं, अरे टाइम गवा रहे हो, 12 बजे तक क्या बोलूं अध्यक्ष जी, यहां भाषण करवा रहे हो किस ओवर में, भाषण नहीं है, आप भाषण करवा रहे हो इनके, ये बहस करा रहे हो, ये भाषण कर रहे हैं, मैं अगला प्रश्न बोलूंगा, आप नहीं तो ये कोई बात हुई क्या। हंगामे के बाद टीकाराम जूली ने विधानसभा स्पीकर के सामने बार बार कहा कि हमें बोलने नहीं दे रहे, स्पीकर मामले को संभालते रहे, तभी अविनाश गहलोत खड़े हुए और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, अरे आपके सदस्य को भी आप नेता बोल रहे हो तो नहीं बोलना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, इनको मत कहिए, आप इनको कहिए, अरे आपको आप बोलिए ना, नहीं तो क्या बोलूं मैं, अरे टाइम गवा रहे हो, 12 बजे तक क्या बोलूं अध्यक्ष जी, यहां भाषण करवा रहे हो किस ओवर में, भाषण नहीं है, आप भाषण करवा रहे हो इनके, ये बहस करा रहे हो, ये भाषण कर रहे हैं, मैं अगला प्रश्न बोलूंगा, आप नहीं तो ये कोई बात हुई क्या, श्रीमती आपकी अनुमति से, आपकी अनुमति से मैं बोल रहा हूँ, आप बोल नहीं रहे, उसके बाद में मंत्री टोक रहे हैं, पहले आप बोलिए ना, आपको अनुमति दी, कोई बोलने दे सकते हो, हाउस को ऑर्डर में लेके आओ, नहीं बोलोगे तो अगला हाउस को ऑर्डर में लेके आइए, नहीं बोलोगे तो अगला प्रश्न, ये लोग आसन का अपमान कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी है सदन चलाना, अपना विषय रखिए, और ये आसन का अपमान करते हैं, आपका अपमान करते हैं, आप अपना प्रश्न पूछे, आप अपना प्रश्न, माननीय सभापति महोदय, इन लोगों ने तो अपने मुख्यमंत्री को नेता भी नहीं समझा था पिछले 5 सालों में, अरे कौन से मुंह से बात कर रहे हैं आप लोग, हर सवाल पे खड़ा होने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, जो विधायक सवाल रखता है उसको 2 प्रश्न पूरे पूछने की जिम्मेदारी है, वो बैठता भी नहीं, उससे पहले आप लोग खड़े हो जाते हैं, विधायक ने 5 साल में मुख्यमंत्री को समझा दिया, माननीय मंत्री महोदय। खैर, टीकाराम जूली ने आखिरकार सवाल पूछा और इसके बाद जो हंगामा हुआ वो तो देखने लायक था। कितने आवंटन के प्रकरण पेंडिंग है, खंड एक का जवाब दे दे, फिर दूसरा और पूछूंगा, दे दी, बोलिए माननीय मंत्री महोदय, पहले माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक में आवंटन का संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा, नियम पूछे इन्होंने और नियम बता दिए, नियम बता दिए आवंटन के संबंध में, दूसरी तरह से प्रश्न लेकर आओ, कोई इसमें ये प्रश्न आपके सामने पड़ा है, कोई आवंटन के संबंध में प्रश्न नहीं, अभी माननीय सदस्य ने पूछा तो कह दिया, घर आके बता दूंगा, श्रीमती इंदिरा, नहीं मेरा दूसरा प्रश्न और है, अरे आप ये जो ये कोई गदर मचा रखा है आप लोगों ने, कोई गदर मचा रखा है, अच्छा पूछ लीजिए, अब चला लीजिए, श्रीमती इंदिरा अध्यक्ष जी, श्रीमती इंदिरा अध्यक्ष जी, ये क्या मतलब पूछ रखा है आप लोग, हाँ मेरे को आप क्वेश्चन का जवाब तो दूसरा तो पूछने दीजिए, श्रीमती इंदिरा पूछो, जवाब नहीं दे सकते उन मंत्रियों को बचाओ मत, अध्यक्ष जी सवाल पूछ रहा हूँ जवाब दिलवाइए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ जवाब दिलवाइए। विधानसभा में कैलाश चंद्र वर्मा के सवाल पर मचा हंगामा ये बता रहा है कि जवाब न कांग्रेस के पास था न ही नई नवेली भजनलाल सरकार के पास, हाँ योजनाओं की बात जरूर की गई, धरातल पर कार्य को उतारने की बात भी की गई, पर कागजों को छोड़ पंचायत लेवल तक इस कार्य को साकार करना भाजपा के लिए भी बेहद चैलेंजिंग होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।